हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ECIL में निकल रही वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ECIL जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है वेरियस और पोस्ट के लिए, जिसमें दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट निकल कर आ रही है। 2022 के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 1625 टोटल पोस्ट निकल कर आ रही है। आपकी योग्यता अगर है 12th ITI या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए मौका निकल कर आ चुका है, ठीक है। खासकर ITI और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे दोस्तों नो एग्जाम है एंड नो फीस है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 25,500 रुपये पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आउट हुई है वो यहाँ पे देख सकते हो। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जो कि जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट जो है, यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रक्रिया है, वो भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ECIL रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1625 पोस्ट के लिए, ठीक है। जो कि पोस्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। आप यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे आपको सिलेक्शन होने वाला है, किस बेस पे होने वाला है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ECIL रिक्रूटमेंट डिटेल 2022, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1625 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। अप्लाई मोड जो रहेगा यहाँ पे देख सकते हो, थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से ही रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ट्रेड होनी अनिवार्य है, तो यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की होनी चाहिए ट्रेड, एंड इलेक्ट्रिशियन की होनी चाहिए, एंड फिटर की होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमम एज आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है, एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी थर्ड ईयर होनी चाहिए, ठीक है। जॉब लोकेशन जो रहेगी, हैदराबाद के अंदर जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, 2 ईयर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड के साथ में, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर जनरल OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 0 रखा गया है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए भी 0 रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुई है डेट 1/4/2022 को ही है, ठीक है। लास्ट डेट जो रखी गई है 11/4/2022 को रखी गई है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो यहाँ पे आपके मेरिट बेस के आधार पर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का जो प्रोसेस रखा गया है, कौन कौन से फीस के प्रोसेस रखे गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 9 चार्ज रखा गया है, एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 चार्ज रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है ये कि 11/4/2022 रखी गई है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पे आप कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। सो गाइस, आपको अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है गाइस, ध्यान से देख लो। आप ऑनलाइन जॉब तक टाइप करोगे आप, तो फर्स्ट वाले टैब पर ये देखने को मिल जाएगा, www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप जो है इस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फर्स्ट वाली टैब पर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ECIL रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। अगर यहाँ पे देखने को ना मिले तो सर्च दिस ब्लॉग में आपको टाइप कर देना ECIL, और डालने के बाद सर्च कर देना, तो भी यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फुल डिटेल को जो है देख लेना है, ठीक है। जो कि आपको फुल डिटेल देखने के बाद तभी आप जो है अप्लाई करना, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे आपको
पूरी की सारी डिटेल्स यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नेम ऑफ पोस्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। ट्रेड जो मैंने आपको बताई थी ये ट्रेड दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो देख सकते हो वैकेंसीज वाइज रखी गई है, ठीक है। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे जो है, वो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सुबह पूरा फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।